श्रावण चल रहा है तो महादेव जी की बात होनी चाहिए, महादेव के दर्शन होने चाहिए, महादेव की भक्ति होनी चाहिए। सिरोही से लगभग 20 किलोमीटर दूर कालंद्री गांव है, जिसका एक अपना इतिहास है। और कालंद्री गांव में श्री रानेश्वर महादेव जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर बहुत कमाल का है, बहुत रोचक इसका इतिहास है। और कहते हैं, अभी पुजारी जी से जब हमने बात की तो कह रहे थे कि हजारों 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 साल पुराना मंदिर है ये। जिस जगह में खड़ा हूँ ये एक नदी हुआ करती थी, और कहते हैं 20 साल पहले ये नदी अनवरत बहती थी, रानी नदी। इसके आगे पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे मगर हैं, और स्वाभाविक है उनमें हरियाली हुआ करती थी, बरसात का पानी धीरे 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 निकलता था। ये पूरा आश्रम, इधर हम देखेंगे तो श्री ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसका हमने उल्लेख किया था सिरोही टेम्पल्स में। हम यहाँ भी आए थे लेकिन श्रावण है तो हमको दर्शन तो करने ही चाहिए। यहाँ श्री रानेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ वर्तमान में एक संत विराजते हैं श्री दांडी जी महाराज, लेकिन संतों का यहाँ पुराना इतिहास है। अनेक संतों ने यहाँ तपस्या की, अनेक संतों ने यहाँ साधना की है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, उनके भी हम दर्शन करेंगे। इधर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है, और ये संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में एक तपोभूमि है। श्री रानेश्वर महादेव मंदिर के हम दर्शन करें, और यहाँ के इतिहास की जानकारी हम यहाँ के पुजारी जी श्री लक्ष्मण जी रावल साहब से लेंगे, जो यहाँ के भूतपूर्व सरपंच साहब भी हैं। लेकिन हम हमारा श्रावण का मतलब हमको शिव की भक्ति होनी चाहिए। ओम शिव गोरक्ष योगी कहें, या ओम नमः शिवाय कहें, या ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। हम जिस मंत्र का भी जाप करें, जिस भाव से जाप करें, जिस भक्ति से जाप करें, हमको फल तो मिलता है। यहाँ का इतिहास मैं फिर कह दूँ बहुत रोचक है। शिवलिंग है, स्वयंभू है। मैं श्री लक्ष्मण जी से ही, सर पुजारी जी, मैं आपको पहले तो जय महादेव करता हूँ। आप यहाँ के पुजारी जी हैं और यहाँ आप 3 पीढ़ियों से पूजा कर रहे हैं, तो एक तो आप भाग्यशाली हैं, आपका पूरा परिवार, आपकी पीढ़ियाँ भाग्यशाली हैं। जो महादेव के निकट होता है वो सच में भाग्यशाली होता है। जीवन का कार्य धंधा पानी होना चाहिए, लेकिन आपका शेष समय पूजा में जाता है। क्या इतिहास है यहाँ इस मंदिर का? ये पुराना मंदिर है जी, हजारों साल पुराना मंदिर है। वैसे 150 साल से यहाँ पूजा पाठ हो रही है। अच्छा, इसके पहले यहाँ लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं होगा? इतिहास नहीं है जी। और यहाँ पहले सर्वप्रथम ध्यान जी महाराज यहाँ तपे हुए हैं। ध्यान जी महाराज तपस्या की हुई है जी जी। महात्मा जी, मोहनान जी जी, रामानंद जी, और सरस्वती देवानंद जी, सरस्वती जी स्वामी देवानंद जी, दंडी स्वामी देवानंद जी, सरस्वती जी महाराज ने जी 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 तपस्या की हुई है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ कौन विराजते हैं? संत वर्तमान में संत दंडी स्वामी देवानंद जी, सरस्वती जी महाराज जी 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 जी। और यहाँ आप पूजा में रहते हैं, क्या इतिहास क्या है? आप कुछ बता रहे थे कि 150 साल पहले कुछ महामारी आई कालंद्री में, क्या क्या इतिहास है? पुराने समय में कोई बीमारी आई थी 150 साल पहले, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसी तरह लग के पूरा गांव खाली होके यहाँ के मसादा। ठीक है, इसी समय एक थोर के अंदर ये भगवान शिव जी की मूर्ति मिली हुई थी। हाँ ठीक है, गाँव वालों ने यहाँ के शिव जी को नमन किया कि गांव की अगर बीमारी चली जाएगी। अच्छा, गांव वालों को मालूम था कि यहाँ शिव जी हैं? नहीं, मालूम नहीं था, तो वैसे ही प्रार्थना की। मतलब कि आप थोर के अंदर मिले ना, तो भील जाति का कोई व्यक्ति था, उसने थोर काटी। हाँ, तो उसके अंदर से शिवलिंग निकली। ठीक है, तो गांव वालों ने आके दर्शन किया और उन्होंने बताया कि भाई गांव की बीमारी चली जाएगी तो हम आपको एक तांबे का नाग अर्पण करेंगे। ठीक है, तांबे का नाग अर्पण करेंगे अगर बीमारी चलेगी तो। ठीक बात है, धीरे धीरे वो बीमारी खत्म हो गई। ठीक है, फिर आप कह रहे थे कि ये फिर खंडित हो गई शिवलिंग, खंडित हुआ कुछ सीमा ही नहीं, खंडित
मतलब आप जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुल्हाड़ी मारी तो उस कुल्हाड़ी से शिवलिंग को लगी लगी हुई है और आज भी वो मौजूद है। आज भी वो मौजूद है, ये मतलब 150 साल पुरानी घटना है। और उसके बाद ने सोचा होगा कि भाई ये मंदिर ये खंडित है तो इसको नहीं रखें, तो इसको क्या खोदा आपने, मतलब पूर्वजों ने खोदा? पूर्वजों ने मतलब कोशिश की फिर खोदने की, ठीक बात है, सीमा नहीं निकलेंगे की। ओ तो फिर उसके बाद उसी मूर्ति को, देखिए हम शिव की भक्ति करें, देख हम कितने ज्ञानी हैं कोई मान्य नहीं रखता, हम कितने अपने आप को ज्ञानी मानते हैं उसकी भी कोई मान्य नहीं है, बस हम भक्त बने और भक्ति का आनंद लें। श्रावण का एक अपना महत्व है, श्रावण में वैसे तो ये संपूर्ण चतुर्मास का महत्व है और साधु संत या सामान्य जन भी इस चतुर्मास के दौरान जब कहते हैं कि सारे सांसारिक कर्म या जिसको कहते हैं कि शादी विवाह आदि को पर रोक लग जाती है तो परमात्मा का भजन का ही प्रावधान है। मैं श्री यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर भी है लक्ष्मीनारायण जी का, उनके भी हम दर्शन करें क्योंकि ये संपूर्ण मंदिर अपने आप में बहुत कमाल का है। मैं फिर कह दूं यहाँ 150 साल से पूजा होती है और 150 साल से एक ही परिवार पूजा करता है, वो परिवार के जो पुजारी जी हैं वो आज हमारे सामने हैं। ये बिल्कुल हम श्री लक्ष्मीनारायण भगवान के दर्शन करें, विष्णु भगवान के दर्शन करें, उन के दर्शन करें जो पालन करता है, उनके हम दर्शन करें भाव से। और ये संपूर्ण आपके देखिए लक्ष्मण जी पुजारी जी हैं, उनके पिताजी श्री प्रताप जी थे, उनके पिताजी श्री देवा जी थे मतलब दादाजी, और 3 पीढ़ियां लगातार पूजा कर रही है। मैं अगर यहाँ का इस आश्रम की बात करूँ, देखिए मैं फिर कह दूँ मंदिर का मतलब पर्यावरण होता है, मंदिर का मतलब पेड़ पौधे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये राण का वृक्ष, राण में निश्चित रूप से फल आते हैं। आप उधर दूर दूर तक देखेंगे तो यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का वृक्षारोपण है, यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की हरियाली है। और आप सच मानिए जहाँ हरियाली होगी, जहाँ वृक्ष होंगे, वहाँ मोर को आना ही होगा, वहाँ पक्षी आएंगे, वहाँ तरह तरह के पक्षी आएंगे, जीव जंतु आएंगे। इसलिए हमको पर्यावरण का तो ध्यान देना ही चाहिए। आप देख सकते हैं ये मोर स्वच्छंद विचरण कर रहा है, इसको पता है कि इसको यहाँ दाना मिलेगा, पानी मिलेगा, इसको कोई किसी तरह का भय भी नहीं है। तो हमको अगर पक्षियों से प्रेम है तो वृक्षों से प्रेम करना पड़ेगा। आप इस स्थान की अगर खूबसूरती को गौर से देखेंगे, देखिए मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि अगर हमारा पर्यावरण बचा हुआ है तो आध्यात्म की वजह से बचा हुआ है। आप इस पीपल को देखिए, इस पीपल के पत्तों को देखिए, पीपल का इतिहास अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पूर्वज कितने समझदार थे। वो कहते थे कि आपको बरगद लगाने चाहिए, आपको पीपल लगाने चाहिए, ये यज्ञशाला है, चारों तरफ से जिसको कहते हैं कि अशोक से लेके तमाम तरह के वृक्ष लगा रखे हैं, या श्री संत जिसको कहते हैं निवास है, और ये यहाँ बहुत सारे अच्छे भोजनशाला, यहाँ गौशाला भी चलती है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, हनुमान जी हैं तो हमारा धर्म है, हनुमान जी की शक्ति से हमारा धर्म आज संरक्षित है, हम हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करिए। आप इस आश्रम को अगर देखेंगे तो सच में आनंद आ जाएगा। और इस बरकत के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। आप देखिए कि 20 साल पहले इस बरगद को लगाया होगा किसी भक्त ने, किसी संत ने, किसी महापुरुष ने, और आप देखिए कि ये बरगद, ये अद्भुत बरगद है, ये सच में अद्भुत बरगद है। अगर हमको पर्यावरण बचाना है, मैं फिर कह दूं, अगर हमको पर्यावरण बचाना है तो हमको बरगद का अभियान चलाना पड़ेगा, हमको किसी तरह का इफ बट की
आवश्यकता ही नहीं है, ये बात हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी। आप देखिए कि इस बरगद के नीचे अगर हम बैठते हैं, विश्राम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी साधना फलीभूत होगी। ये बरगद अपने आप में बहुत कमाल का है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ, ओम नमः शिवाय के साथ हम बरगद लगाएं और बरगद लगाने का संकल्प लें। ये बहुत कमाल का बरगद है या बहुत कमाल का ये सोच है। नमस्कार।